Hello everyone, today we are going to discuss OIC model. ये कंप्यूटर साइंस में सबसे अहम टॉपिक है. इसमें क्या होता है, जो भी दो डिवाइसेस के दरमियान, दो सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो क्या होती है, OIC मॉडल के थ्रू हो रही होती है. इसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि OIC मॉडल है क्या. OIC स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. अब ये क्या स्टैंड फॉर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. अब ये कब बना था, OIC मॉडल कब पेश किया गया था, 1984 में. और ये किसने बनाया था, ISO ऑर्गेनाइजेशन ने. ISO स्टैंड फॉर इंटरकनेक्शन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. अब हम देखेंगे ओपन सिस्टम अलाउ एनी टू सिस्टम्स टू कम्युनिकेट. अब ये क्या करता है, कोई भी दो सिस्टम्स को, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है कि किस तरह से कोई रिक्वेस्ट आई है, उसको किस तरह से डील करना है. ये सारा काम क्या करता है, OSI मॉडल, इनको क्या कह रहे होते हैं, कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं. अगर इस सिस्टम ने इसके साथ कम्युनिकेट करना है और इसने इसके साथ करना है, तो ये काम इधर होगा. अब ये डेवलप किसके थ्रू, किसने करवाया था, डेवलप किसने किया है, ISO ने इन 1984. OSI मॉडल के टोटल लेयर्स हैं 7. कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर हैं. फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर. नेक्स्ट वन इज सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. अब इसकी जो ये 7 लेयर्स हैं, वैसे अगर हम देखें तो ये होती है, फर्स्ट वन होती है हमारे पास फिजिकल, डाटा लिंक. लेकिन अगर हम स्टडी कर रहे हैं इसको, तो हम किस अकॉर्डिंगली करेंगे, हम लास्ट वाली लेयर से करते हैं, यानी डाउनवर्ड इसकी स्टडी करते हैं. एप्लीकेशन से आप फिजिकल की तरफ आएंगे. वैसे बेसिकली होता यह है कि ये फिजिकल से एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं. अब जो फर्स्ट थ्री लेयर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम होता है. जो लास्ट थ्री लेयर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर या लोअर लेयर बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं. और जो ये दरमियान में है, सेवन्थ वाली लेयर, ये फोर्थ वाली जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हार्ट ऑफ OSI. मीन ये क्या करता है, ये थ्री लेयर्स जो है सॉफ्टवेयर की थ्री लेयर्स और हार्डवेयर की थ्री लेयर्स, यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है. यहाँ पे डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है. इनके आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा होता है. अब हम सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, अब यहां पे जैसे OSI मॉडल में हमने कहा है कि 7 लेयर होती है, हर लेयर का अपना स्पेसिफिक काम होता है. अगर कोई भी हमने रिक्वेस्ट की है कंप्यूटर को, या उसका कोई आंसर हमें आया, ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, यानी इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया गया है, किया हुआ है. एप्लीकेशन लेयर अपना काम करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी. उसके बाद सेशन लेयर है, वो अपना करेगी. ट्रांसपोर्ट है, वो अपना करेगी. डाटा लिंक लेयर है, वो अपना करेगी. इस तरह से इन्होंने अपने काम को डिवाइड किया हुआ है. तो हर जो लेयर है वो अपना स्पेसिफिक काम कर रही होती है. एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है. ठीक है. अब एप्लीकेशन किस तरह से, अगर हमने कोई भी मेल करनी है, तो हम उसके लिए कोई भी मेल के लिए कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करेगी. या हम क्या करना चाह रहे हैं, कोई फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, या कोई ब्राउजर ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये सारे का सारा काम क्या, ये कौन प्रोवाइड करेगा, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करेगी. और उसके बाद जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं, वो भी कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहे होते हैं. TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP है, या फिर क्या है, SMTP. ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स जो है, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे होते हैं ये सारे के सारे. नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर. अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ये हमारा जो भी डाटा, यानी यूजर ने कुछ भी सर्च किया है एप्लीकेशन लेयर पे, वो कोई भी फाइल सेंड करना चाह रहा है, तो उसने सर्चिंग की है. सर्च करने के बाद
अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी उस डाटा को जो भी यूजर ने सर्च किया है या सेंड किया है, कुछ भी लाइक वो वर्ड हाई सेंड करना चाह रहा है या कुछ हेलो सेंड करना चाह रहा है या कोई और मतलब कुछ भी सेंड करना चाह रहा है, डाटा सेंड करना चाह रहा है, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी उसको ट्रांसलेट करेगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे इंक्रिप्ट करेगी, यानी इंक्रिप्शन होगी इसमें। उसके बाद क्या करेगी कंप्रेस। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, डाटा को उस फॉर्मेट में चेंज किया जाता है जो यूजर क्या कर सके अंडरस्टैंड कर सके, या जो डिवाइस पे सेंड कर रहा है वो क्या कर सके अंडरस्टैंड कर सके, उसकी लैंग्वेज के मुताबिक उसमें क्या करता है ये प्रेजेंटेशन लेयर उसको ट्रांसलेट करती है। और इंक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें डाटा को यानी सिक्योर किया जाता है एक हिसाब से अगर हम कहें तो। सिक्योर किस तरह से किया जाता है, लाइक कोई भी डाटा, यही मैंने वर्ड कहा है कि अगर ये हाई वर्ड सेंड करना है तो ये यहां से यूजर ने तो सेंड कर दिया हाई वर्ड, लेकिन वो क्या करेगा ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी इस हाई वर्ड को क्या करेगी डिफरेंट कोड में चेंज कर देगी ताकि उसको क्या किया जा सके चोरी ना किया जा सके। तो वो क्या लाइक ए बी ई डी या कुछ मतलब इस फॉर्मेट में क्या करेगा चेंज कर देगा। उसके बाद जब ये नेक्स्ट डिवाइस के पास यानी रिसीवर के पास जाएगा वो क्या करेगी इसी डाटा को अगेन किस वर्ड में चेंज कर देगी, हाई वर्ड में चेंज कर देगी। तो जिसे हम क्या बोलेंगे डिक्रिप्शन, डी क्रिप्शन। उसके बाद है कंप्रेस। अब कंप्रेस में क्या होता है, अगर लार्ज अमाउंट में कोई भी हमारी फाइल है जो मतलब अगर हमने ट्रांसफर करनी है तो वो क्या होगी सही से ट्रांसफर नहीं होगी, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है उस लार्ज फाइल को कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस किस तरह से करेगी, यानी उसको स्मॉल साइज में चेंज कर देगी ताकि वो क्या हो फास्टली सेंड हो सके, फास्टली ट्रांसफर हो सके। तो इसका काम क्या है, एक तो ये ट्रांसलेट करता है, एक इंक्रिप्ट करता है, एक कंप्रेस करता है डाटा को। नेक्स्ट हमारे पास लेयर है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर का काम क्या होता है, ये सेशन क्रिएट करता है। लाइक अगर डाटा सेंड होना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक तो उसके दरम्यान में ये क्या होगा, लाइक हम सेशन अगर कहें कि सेशन हम कहें कि हमने इंग्लिश क्लास का सेशन है हमारा 5 मिनट का, या फिर हम कहें कि कोई वैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है उसका 10 मिनट का सेशन है डेली बेस पे, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया होता है जिसमें क्या क्या होता है कोई भी काम डन होता है। अगर सेशन लेयर के अकॉर्डिंगली इसका देखें रोल, तो वो क्या होता है कि एक डाटा को सेंड किया इस डिवाइस से इस तक, इसके दरमियान में जो भी वर्किंग हो रही है वो एक सेशन में कन्वर्ट होती है, यानी वो एक सेशन बनता है। ठीक है, अब इसका और काम क्या है, ये क्या करता है कोई भी डाटा अगर सेंड हुआ है उसमें चेक पॉइंट लगाता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। लाइक हमने एक फाइल डाउनलोड की जो बहुत बड़ी थी फाइल, अच्छा दरमियान में जाके लाइक ये एक फाइल है ये काफी बड़ी अमाउंट में और ये चेक पॉइंट लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे आके कोई एरर आ जाता है और फाइल डाउनलोड नहीं होती तो क्या करेगा, अब जब दोबारा से उस फाइल को डाउनलोड किया जाएगा वो यहां से स्टार्ट नहीं होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी इस चेक पॉइंट से उसको क्या होगी वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो चेक पॉइंट का बेनिफिट यही है, अगर हम विदाउट चेक पॉइंट उसको डाउनलोड करें तो वो क्या होगी हर दफा जब भी एरर आएगी उसके बाद ये क्या करेगी जीरो से डाउनलोड होना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जहां जहां चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं जिस चेक पॉइंट पे आके एरर आया है वो नेक्स्ट उसी चेक पॉइंट से नेक्स्ट कंटिन्यू करेगी। उसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन मीन क्या है कि ये ना डाटा को सिक्योर करती है, कोई भी सेशन में आया है ठीक है वो कोई भी काम कर रहा है इन्वॉल्व हुआ है तो वो क्या करेगा मतलब उसको सिक्योर करती है। अगर हम इसके सिंपल एग्जांपल लें यूजर नेम और पासवर्ड, और पासवर्ड क्या है इसके जरिए क्या करेगा एक्सेस करेगा कोई भी यूजर है। नेक्स्ट हमारी है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ दी ओएसआई, हार्ट ऑफ ओएसआई। अब नेटवर्क लेयर में होता क्या है, बेसिकली ये क्या करती है डेटा फ्लो को क्या कर रही होती है कंट्रोल कर रही होती है,
क्या कर रही होती है, डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रही होती है, इसमें डाटा फ्लो को देखा जाता है। और सेकेंड इसमें ये होता है कि ये लॉजिकल पाथ ऑफ डाटा को भी क्या करती है, डिटरमाइन करती है, लॉजिकल पाथ ऑफ डाटा इसको भी क्या करती है, डिटरमाइन करती है। अब अगर यहां पे देखा जाए, इसमें ना टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक होती है टीसीपी, एक होती है यूडीपी। मतलब डाटा कोई भी ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर हम टीसीपी के साथ कर रहे हैं या यूडीपी के साथ कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगी, ये विद एस्टेब्लिशमेंट होगी। मीन लाइक अगर यहाँ पे डाटा हम सेंड कर रहे हैं, तो जब वो रिसीवर के पास डाटा पहुंच जाएगा, तो इसके पास क्या होगा, एक मैसेज आ जाएगा एक्नॉलेज्ड का। मतलब उसे पता चल जाएगा कि डाटा क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुका है, अगली जो डिवाइस है उसने उसको रिसीव कर लिया है। लेकिन अगर यूडीपी के साथ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डाटा को ट्रांसफर जस्ट कर दिया जाता है, ये चीज नहीं पता होती कि वो यूजर के पास पहुंचा है डाटा या नहीं पहुंचा हुआ। यानी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का जो है वो मैसेज नहीं डिस्प्ले होता कि डाटा रिसीव हुआ है या नहीं। अब जो टीसीपी है ये क्या होती है, ये थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि वापस मैसेज भी जनरेट करना होता है ये वो। लेकिन यूडीपी को हम क्या करते हैं, फास्ट स्पीड के लिए इसको, इसके थ्रू मैसेज क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या करता है, जो भी डाटा इसको नेटवर्क लेयर ने दिया है उसको फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है, फ्रेम्स की फॉर्म में। अगर ये जो नेटवर्क लेयर है, ये क्या करती है, जो भी डाटा इसको प्रीवियस लेयर ने दिया है, मतलब जो भी डाटा होता है वो लेयर बाय लेयर क्या होता है, कन्वर्ट होता जाता है। नेक्स्ट मतलब प्रीवियस लेयर नेक्स्ट को देती है, नेक्स्ट लेयर उसे नेक्स्ट को देती है, तो जो नेटवर्क लेयर है उस डाटा को क्या करती है, पैकेट्स की फॉर्म में चेंज करती है। आप पैकेट्स में सॉरी सेगमेंट्स की फॉर्म में। अब यह क्या करेगी, पैकेट्स की फॉर्म में चेंज करेगी। यानी अगर लार्ज अमाउंट में डाटा है, उसके छोटे छोटे क्या किए जाते हैं, पैकेट्स बना दिए जाते हैं, ताकि डाटा इजीली ट्रांसफर हो सके। और यही काम जब ये नेक्स्ट लेयर को देती है, ये वाला वर्क करने के बाद जब ये नेक्स्ट लेयर को देती है, तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, उसी डाटा को फ्रेम्स की फॉर्म में चेंज करती है। उसके अलावा ये क्या करती है, डाटा फ्लो का कंट्रोल मतलब इसमें होता है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस है और एक यहां भी डिवाइस है, इसने डाटा सेंड किया, इसकी ट्रांसफर स्पीड जो है वो क्या है, फास्ट है, जबकि ये क्या है, इसकी स्पीड जो है वो क्या है, स्लो है। अब यहां से तो डाटा क्या हो रहा है, फास्ट स्पीड में ट्रांसफर हो रहा है, जबकि जो रिसीवर है वो क्या कर रही है, स्पीड स्लो के साथ मतलब उसको रिसीव कर रही है। तो जो डाटा लिंक लेयर है ये क्या करती है, ये स्पीड को मेंटेन करती है, कि ये नहीं है कि यहां से डाटा फास्टली ट्रांसफर होता जाए और डाटा जो है वो ओवरफ्लो हो जाए, यानी डाटा जो है ओवरफ्लो होकर वेस्ट हो जाए। तो ये क्या करती है, इनकी स्पीड को मेंटेन करती है, कि इस स्पीड से अगर डाटा मूव कर रहा है तो नेक्स्ट उससे रिसीव हो, या अगर इसकी स्पीड को स्लो करके उस तरह से डाटा को क्या करवाती है, ये मूव करवाती है डाटा लिंक लेयर। उसके बाद इसका काम क्या होता है, फिजिकल एड्रेसिंग। क्या करती है, ये फिजिकल एड्रेसिंग का काम भी करती है, यानी एड्रेस को क्या करती है, स्टोर करती है, जो भी मतलब इसमें वर्किंग हो रही है। हमारे पास लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर जो है वो क्या करती है, जो भी डाटा इसको दिया है डाटा लिंक लेयर ने, उसको क्या करती है, जीरो और वन की फॉर्मेट में चेंज करती है, यानी बिट्स की फॉर्मेट में चेंज करती है। अब बिट्स हमारे पास कौन से हैं, जीरो और वन की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये काम क्या करती है, ये। अब हम अगर देखें ओएसपी मॉडल में, एक काम तो ये हो रहा है कि ये सेंटर कर रहा है, यानी एप्लीकेशन से फिजिकल तक। अब ये वाला काम जो है, यहाँ पे फिजिकल के पास आने के पास, इधर से ये रिसीवर की फिजिकल लेयर के पास जाएगा और ये क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे हम क्या आ रहे थे, डाउनवर्ड आ रहे थे, यानी एप्लीकेशन लेयर आ रही थी, नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर आ रही थी, इसी तरह से सारी लेयर्स आ रही थी। अब यहां से ये क्या होगा, रिसीवर के पास ये उल्टा चलेगा, लाइक ये यहाँ पे फिजिकल लेयर से चलेगा और यहाँ पे ये इसकी लास्ट क्या है, फिजिकल है, इसकी लास्ट फिजिकल बन रही है, और यहां से क्या होगी, फर्स्ट। अब ये क्या होगी, इसी डाटा को जो जीरो और वन की फॉर्मेट में चेंज किया हुआ है, अब इस डाटा को ये चेंज करेगी कि ये किसके पास भेजे, डाटा लिंक लेयर के पास, ठीक है। और डाटा लिंक लेयर फिर इसको ऐसी मतलब उसमें कन्वर्ट करेगी कि ये क्या करे, इसको नेक्स्ट फिर किसके पास भेजे,
नेटवर्क लेयर के पास। फिर नेटवर्क लेयर से प्रीवियस में क्या आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर क्या आएगी हमारे पास, सेशन लेयर। फिर प्रेजेंटेशन लेयर। और यहां पे लास्ट पे कौन सी आएगी, एप्लीकेशन लेयर। जबकि इसकी हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट हमारे पास थी एप्लीकेशन लेयर, नेक्स्ट हमारे पास थी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क और यहां पे क्या थी, डाटा लिंक लेयर। अब अगर इसका नेम लर्न करना हो तो नेम इसका लर्न कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सब वर्ड्स को लाइक एप्लीकेशन का हम क्या लेंगे, ए, जिससे क्या बनेगा, आल। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का पी लेंगे, जिसका मीन क्या होगा, जिसको क्या लेंगे, पीपल। ट्रांसपोर्ट सॉरी सेशन लेयर का हम क्या लेंगे, सीम्स। टू डाटा प्रोसेसिंग। अब अगर देखा आल से मतलब ये यहां से हम ए से क्या होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी, पी से क्या होगी, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड लास्ट हमारे पास क्या आएगी, फिजिकल लेयर होगी। तो ये क्या होगी, इसी तरह से रिवर्स में इसका सारे का सारा वर्क होगा। जैसे हम कहते हैं कि इंक्रिप्शन का काम कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, तो यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन लेयर पे वही वाला काम क्या होगा, डिक्रिप्शन होगा। लाइक उसने जो काम किया है उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा दोबारा से उसी फॉर्मेट में जिसमें वो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वैसे मॉडल की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए।